मेरे बहुत ही अज़ीज़ हमवनों मुझे पूरे मुल्क से मुबारकबाद के पैगाम मौसू हो रहे हैं मैंने मुनासिब ख्याल किया कि बरा रास्त आप से बात करूँ सबसे पहले मैं अल्लाह ताला शुक्र बजा लाता हूँ जिसने मुझे आखिरकार झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में शुरू किया मैं आप का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा हर तरह की मुश्किलात में मेरे साथ खड़े रहे और एक लम्हे के लिए भी मेरे ख़िलाफ़ इस झूठे प्रोपेगंडे पर यकीन नहीं किया आपकी दुआओं और आपके साथ ने मुझे हमेशा बहुत हौसला दिया आज आप मुझे, मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तक हैं मेरी जमात का हर रुकन हर कारकुन भी मुबारकबाद का हकदार है मैं अगर 2013 के बाद अपने ख़िलाफ़ शुरू होने वाली मुनज़म साजिश की कहानी बयान करूँ तो बहुत वक्त लगेगा इसका आगाज़ अगस्त 2014 के तवील धरनों से हुआ और उसका पहला मरला 28 जुलाई 2017 को ख़त्म हुआ जब मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ़ वज़ारतमा से फ़ारग कर दिया गया छुट्टी करा दी गई बल्कि उम्र भर के लिए ना अहल भी कर दिया गया आपको अच्छी तरह याद होगा कि किस तरह व्हाट्सएप कॉल्स की गई किस तरह एक जे आई टी के लिए हीरे चुने गए और वो भी व्हाट्सएप पर किस तरह उस जे आई टी की निगरानी के लिए एक तीन रुकनी बेंच बिठाया गया किस तरह मुझे माफिया और गॉड फादर की गालियां दी गईं किस तरह एक ऐसी पटिशन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई जिसे उस जमाने के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलियस यानी फजूल और नाकारा करार देकर मुस्तरद कर दिया किस तरह एक जज ने खुद दरख्वास्त गुजार को पैगाम भेजा आप जानते हैं मैं जस्टिस खोसा की बात कर रहा हूं कि हमारे पास आओ फिर किस तरह नैब को तीन रेफरेंस दायर करने का हुक्म मिला जज जिसने मुझे सजा दी थी उस बेंच का वो हिस्सा था जज एहतसाब अदालतों पर वो खुद ही मॉनिटर बनकर बैठ गया किस तरह मतूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं? मेरे बुजुर्गों भाइयों बहनों ये सारी बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं इस शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं वहाँ वहाँ से हक और सच की गवाहियाँ सामने आ गई हैं जो हमारे गुमान में भी नहीं थी वहमो गुमान में भी नहीं थी ये सब अल्लाह का कर्म है क्योंकि मैंने अपना मामला तो अल्लाह पर छोड़ दिया था और आपको याद होगा मैंने कहा था मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ और आज बेगुनाह करार दिए जाने के बाद जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मसाइब, मुश्किल और आज़माइशों का लंबा सिलसिला नजर आता है मैं तवील अरसा जेल में रहा अपनी बेटी के हमरा सैकड़ों पेशियाँ बुगती इल्जाम थोपे गए गालियाँ खाईं किरदार कुशी हुई लेकिन मेरे ये जख्म हर रोज़ ताज़ा होते हैं कि मैं अपने वालद मोहतरम की मैयत को कंधा ना दे सका मैं अपनी वाल वालदा मोहतरमा का ताबूत कब्र में नहीं उतार सका मैं ज़िंदगी के हर लम्हे में सहारा देने वाली अपनी अहलिया के साथ वक्त न गुज़ार सका जबकि वो इस दुनिया से रुखसत हो रही थी अल्लाह ताला ने हमें ये गम बर्दाश्त करने की हिम्मत और तोफ़ी फरमाई। आज भी मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये नाकबिल तलाफी नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत और तोफ़ी दे छः साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई इसे इंसाफ़ भी कहा जा सकता है लेकिन दरअसल ये उस खुली ना का इजाला है जिसका मुझे निशाना बनाया गया मैं ना अपने आप को कई साल पीछे ले जा सकता हूं ना बिछड़ जाने वालों को अपने प्यारों को वापस ला सकता हूं फिर भी आप सब की तरह मेरे लिए खुशी का मकाम है कि झूठ फरेब और साजिशों की कली खुल गई और सच सामने आ गया लेकिन मेरे वतन के बासियों मैं मुसलसल छह साल से यह बात सोचता रहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया मेरे आवाम का क्या कसूर था उनको क्यों निशाना बनाया चलें किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सजा दी गई उनका क्या कसूर था उस पाकिस्तान को क्यों मुआशी तबाही में धकेल दिया गया जो मेरे जमाने में छह आशारिया एक फीसद की शराह से तरक्की कर रहा था उस पाकिस्तान को क्यों सजा दी गई जो फाटफ के वाइट लिस्ट में आ चुका था उस पाकिस्तान को क्यों भकारी बना दिया गया जो आईएमएफ से निजात हासिल कर चुका था हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा था आपको याद होगा लेकिन उस पाकिस्तान को एक बार फिर अंधेरों में धकेल दिया गया जिसमें बारह हजार मेगा बिजली पैदा करके लोड शेडिंग को खत्म कर दिया गया था आपको याद है कितना बड़ा ये एक जिम्मेदारी थी जो हमने अदा की आपकी खातर आपके बच्चों की खातर तो आज उस पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों रुक गई जहां हम सी पैक की शक्ल में पचास अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी चीन से लेकर आए थे उस पाकिस्तान को फिर क्यों दहशत गर्दी का गढ़ बना दिया गया जहां से दहशत गर्दी को हमने कुचल दिया था याद होना चाहिए आपको पाकिस्तान की उस करेंसी की कीमत यानी रुपये की कीमत क्यों मिट्टी में मिला दी गई जो खे में सबसे मुस्ताकम थी हमारी करंसी सबसे मजबूत थी उस पाकिस्तान को क्यों तना कर दिया गया जो आलमी बरदरी का एक मुआज़ रुकन था और मेरे भाई और बहनों आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि आपका क्या कसूर था आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको मुझसे भी ज्यादा शदीद मुझसे भी ज्यादा संगीन सजाएं दी गई क्यों आपको तारीख की सबसे खौफनाक महंगाई का लुकमा बना दिया गया मुझे पता लगना चाहिए क्यों तीन और चार फीसद की महंगाई को क्यों 40 फीसद तक पहुंचा दिया गया आपको जो रोटी पांच रुपए की मिल रही थी हमारे जमाने में जो चार रुपए की या पांच रुपए की मिल रही थी वो किसने 20 और 25 रुपए तक पहुंचा दी मैं पूछना चाहता हूं आपको जो चीनी पचास रुपए किलो मिल रही थी वो अढ़ाई तीन सौ तक कौन लेकर गया जरा बताएं मुझे यही तो मेरे आते हैं और यही मैं रोज पूछता हूं मुझे सजा देनी थी दे ली लेकिन आपका आटा आपकी दालें आपकी सब्जी आपकी दवाएं किसने छीन ली नौजवानों के रोजगार की राहें किसने बंद कर दी मेहनत कशों मजदूरों किसानों की जिंदगी क्यों अजाब बना दी गई नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना आपको आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया और भी डाल देते लेकिन आपको ये सजा क्यों दी गई ये मेरा सवाल होता है मेरा अपने बारे में जो सवाल होता है उसके पीछे ये होता है सवाल असल सवाल ये है कि आपके घरों के चूल्हे क्यों बजा दिए गए आपके बच्चों की तालीम क्यों छीन ली गई और आपको सेहत की सहूलतों से क्यों महरूम कर दिया गया अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरख किया मेरे सब मुकदमे झूठे निकले फ्रॉड मुकदमे निकले जाली फेक और अदालत ने मुझे हर इल्जाम से बरी कर दिया लेकिन मुझे सच्ची खुशी उस वक्त होगी मेरे भाई और बहनों जब आप भी बरी होंगे मेरी माओ बहनों बेटियों बुजुर्गों और जवानों की सजाएं खत्म होंगी हमारे बच्चों की सजाएं खत्म होगी जब आपको महंगाई के अजाब से निजात मिलेगी जब आपको बिजली और गैस के भारी बिलों से निजात मिलेगी जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा जब बीमारों को दवाएं मिलेंगी दवाएं जो वो आज अफोर्ड नहीं कर सकते जेब में पैसे नहीं होते दवा की कीमत अदा करने के लिए मांगते हैं कर्ज मांगते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा सेहत याब हो जाए सिर्फ इसलिए कि मेरा शोहर सेहत याब हो जाए इसलिए कि मेरे माँ बाप की जिंदगी बच जाए ये हाल हो चुका है और हमारे ज़माने में दुआएँ मुफ्त मिलती थी मुफ्त इलाज मुफ्त होते थे जब ख़वातिन के हकूक का तहफुज होगा जब आगे बढ़ता तरक्की करता और आवाम की खिदमत करता हुआ पाकिस्तान आपको वापस मिलेगा तब मुझे असली खुशी होगी आप जानते हैं कि नवाज शरीफ ख्वाब नहीं दिखाता सबस बाग नहीं दिखाता जो कहता है अल्लाह पर पुख्ता ईमान की बिना पर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह भी उसकी मदद करता है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कहता हूँ अल्लाह के फ़लोक करम से और आपकी दुआओं से करके दिखाता हूँ उन्नीस सौ नब्बे में अल्लाह ने मेरी मदद की दो हज़ार तेरह में अल्लाह ने मेरा हाथ थामा मुझे कभी अच्छे हालात नहीं मिले लेकिन जब भी मुझे इकदार से फारग किया गया मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कई गुना बेहतर हालत में छोड़ कर गया और आप गवाह इस बात के तो मेरे अहले वतन मुझे अपनी सजाओं से निजात के लिए अदालतों से रजू करना पड़ा जज साहिबान से अपनी बरियत के फ़ैसले लेने पड़े आपको किसी अदालत में नहीं जाना आप खुद अदालत हैं आपने किसी जज को दरख्वास्त नहीं देनी आप ख़ुद जज हैं इंशाल्लाह मुझे मालूम है कि आप 8 फरवरी को अपनी जजमेंट ज़रूर सुनाएंगे। एक खुशहाल पाकिस्तान की एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की और आप अपनी जजमेंट सुनाएंगे। अपनी बरियत का फ़ैसला आप ख़ुद करेंगे खुद ही आपने अपनी सजाओं का खात्मा करना है और मुझे यकीन है कि आप अपना मुकद्दर बदलने की भरपूर सलाहियत रखते हैं अल्लाह ताला हम सब का हामी आसर हो फिर मिलेंगे इन शुदाफ